गुड इवनिंग डियर, यू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड द लाइव क्लासेस द हिंदू रीडिंग एनालिसिस सेशन एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव कनेक्टेड विद लाइव, मिस्टर शैलेंद्र, मिस्टर सोनू, आशीष, दीपक, मेनका, ऋतिक, अभिलाष, आशीष, राहुल, अंकित, रूबी, अक्षत, शिवम, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम सब लोग अपने इस सेशन में आज से एक नई चीज़ की फिर से शुरुआत लेकर आ रहे हैं, डेली द हिंदू रीडिंग एनालिसिस सेशन। और इसके अंतर्गत हम सब लोग डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर का हम लोग पैसेज, एडिटोरियल और इसके जितने अन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम सब लोग पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग हमसे जुड़ चुके होंगे, हमारी आवाज़ आसानी से आप सब लोगों तक पहुँच रही होगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मनोज कुमार, जो भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, मैं सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट पूरा, जो भी चीजें हैं सारी क्लासेस प्रॉपर चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, जो प्रॉब्लम होगी सारी कम्युनिकेशन को हम सब लोग डेली यूट्यूब पर जुड़ेंगे और ये प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग फोकस करते हैं द हिंदू सेशन पर। देखिए, आज का हमारा सबसे पहला टाइटल है, सबसे पहली हेडिंग है, राउत इन ईडी कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। चलिए देखते हैं, सबसे पहला देखिए, इसमें देखा जाए तो एक वर्ड है राउत, संजय राउत इन ईडी कस्टडी। ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, प्रवर्तन निदेशालय है। कस्टडी, कस्टडी को बोलते हैं न्यायिक हिरासत, कस्टडी को बोलते हैं न्यायिक हिरासत, तो यहां आप कह सकते हैं गिरफ्तारी, गिरफ्तारी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस, पैसे के लॉन्ड्रिंग। देखिए लॉन्ड्रिंग केस क्या है, वैसे जो लॉन्ड्रिंग वर्ड होता है ये एम्बेजल से जुड़ा होता है, नोट करिएगा। आप अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हम सब लोगों को नोट करना है, साथ ही साथ ये देखना है कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो लॉन्ड्रिंग या एम्बेजल होता है पैसों का गबन, पैसों का गबन। तो इसका हेडिंग का मतलब यह हुआ कि राउत ईडी की हिरासत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में यानी पैसे के गबन के मामले में राउत ईडी के हिरासत में। ईडी हमारा है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, जिससे एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन भी होता है, आप सब लोग भी पढ़ेंगे तो जाएंगे। उद्धव ठाकरे लॉयलिस्ट हेल्ड इन चौल रीडेवलपमेंट स्कैम। उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट यानी सबसे वफादार, लॉयलिस्ट लगाया है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उद्धव ठाकरे के लॉयलिस्ट हेल्ड, पकड़े गए इन चौल, चौल रीडेवलपमेंट स्कैम। रीडेवलपमेंट होता है पुनर्विकास, स्कैम का मतलब होता है घोटाला, घोटाला। और चौल का मतलब ये होता है कि मुंबई में जो झुग्गी झोपड़ी होती हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं, वहां पर जो छोटे छोटे डेवलप कर दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, चौल। एक तरीके से ये आपका वर्ड है चौल, ये मुंबई के लिए होता है, और अन्य एरिया में जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, स्लम। तो अब देखा जाए तो इसमें है क्या, चलिए ठीक है, एमिड हाई ड्रामा इनका कहना क्या है। एमिड होता है के बीच में, एमिड होता है के बीच में। एमिड हाई ड्रामा, उच्च ड्रामा के बीच में। ड्रामा का मतलब यहां घटनाक्रम से है, जो कुछ भी ये सिनेरियो हुआ होगा उसके लिए। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय ऑन संडे, संडे को टुक इनटू कस्टडी, ले लिया कस्टडी में शिवसेना एमपी, शिवसेना सांसद संजय राउत को, शिवसेना सांसद संजय राउत को कस्टडी में ले लिया।
अ क्लोज कॉन्फिडेंट, अब देखिए यह है कौन, उनके बारे में कॉमा लगाकर बताया जा रहा है, एक बहुत नजदीक कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या है जरा इसके बारे में आप लोग समझिए, दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होना, आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंट। इसके साथ प्रेपोजिशन में हमेशा ऑफ आता है, ये एडजेक्टिव है। एक होता है कॉन्फिडेंट, इसकी स्पेलिंग ये होती है, और जरूरत पड़ने पर इसकी स्पेलिंग में ए एन टी ई भी जोड़ा जा सकता है, और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है अंतरंग साथी, या आप कह सकते हैं घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र, या आप कह सकते हैं जो किसी का गोपनीय मित्र होता है, गोपनीय मित्र, उसी से ये कोरिलेट होता है। तो यहां देखा जाए तो इनका कहने का मतलब हुआ, एमिड हाई ड्रामा, उच्च ड्रामा, यानी इस बहुत उच्च घटनाक्रम के बीच में प्रवर्तन निदेशालय ने संडे को टुक इनटू कस्टडी, हिरासत में ले लिया शिवसेना सांसद संजय राउत को। अब यह है कौन, अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ पार्टी, पार्टी प्रेसिडेंट यानी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के एक बहुत घनिष्ठ मित्र, इन कनेक्शन विथ, अब इनको गिरफ्तार किया किसमें, फिर कॉमा लगाया, यानी यहां से लेकर यहां तक उसने क्या किया, क्लॉज दिया फिर से। अब इनको गिरफ्तार किसमें किया, इन कनेक्शन विथ, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, इन कनेक्शन विथ होता है के संदर्भ में, के संबंध में, इन कनेक्शन विथ अ केस, एक मामले के संबंध में, ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के, आफ्टर कंडक्टिंग, कब गिरफ्तार किया, आफ्टर कंडक्टिंग सर्चेज, कंडक्ट मतलब आयोजित करना, सर्चेज मतलब तलाश, तलाशी अभियान के बाद, एट हिज रेजिडेंस, उनके आवास पर, इन मुंबई, मुंबई में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह में, यानी मुंबई में सुबह सुबह उनके घर के तलाशी अभियान के दौरान उन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के संदर्भ में जो शिवसेना पार्टी प्रमुख संजय राउत के बहुत घनिष्ठ हैं। इन अ बिग सेटबैक, अब इसे देखिएगा, इन अ बिग सेटबैक, सेटबैक मींस बाधा, बाधा, इन अ बिग सेटबैक, एक बहुत बड़ी बाधा, टू द उद्धव फैक्शन, फैक्शन का मतलब यहां गुट से है, समूह से है, उद्धव गुट में ऑफ द सेना, शिवसेना के जितनी पार्टी होती है उनके पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, इसीलिए द सेना लगा, यानी शिवसेना पार्टी के उद्धव गुट के एक बड़ी बाधा के रूप में मिस्टर राउत, इट्स स्पोक्समैन, इसके प्रवक्ता, किसके, शिवसेना के। अच्छा, स्पोक्समैन होता है ये ध्यान रखिएगा, ये होता क्या है, स्पोक्समैन होता है या स्पोक्स पर्सन होता है, मिस्टर राउत इसके वक्ता, एंड और क्या है ये, और यह है राज्यसभा मेंबर और राज्यसभा सदस्य, वाज टेकन इनटू कस्टडी, पैसिव वॉइस है, इन्हें कस्टडी में ले लिया गया आफ्टर अ मैराथन 9 आवर्स ऑफ इंटरोगेशन, यानी मैराथन, एक लंबी पूछताछ, कितना वो भी 9 घंटे की, 9 घंटे की एक लंबी पूछताछ के बाद, एट हिज बैंगलो, उनके बैंगलो पर, बैंगलो रेजिडेंस है इसीलिए क्या आया, एट आया, कहां, मैत्री, उनके बैंगलो का नाम है मैत्री में, इन द, इन द, कहां है ये, भंदूप एरिया ऑफ मुंबई, यानी मुंबई के भंदूप एरिया में, एरिया के उनके बैंगलो पर, एक लंबी 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, आगे समझते हैं। द एमपी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, पैसिव वॉइस है, द एमपी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यानी सांसद की जांच की जा रही है, इन कनेक्शन विथ, के संदर्भ, के संबंध में, अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के, लिंक्ड टू, जो संबंधित है, एलीग्ड,
तथा कथित, एलीग मतलब होता है कथित तौर पर आरोप, कथित तौर के आरोप से जो संबंधित है, इररेगुलरिटीज इन द, इररेगुलरिटीज मतलब अनियमितता, इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द पात्रा चौल, यानी पात्रा चौल एक प्रॉपर नाउन है, यानी पात्रा चौल के पुनर्विकास के अनियमितता से जो संबंधित एक मामला है, उसी से संबंधित मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस के संदर्भ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी जांच की जा रही है। इन द सिटी, शहर में, मिस्टर राउत्स लॉयर सेड, मिस्टर राउत के लॉयर ने कहा, द ईडी हैड नॉट फाउंड एनी डॉक्यूमेंट, ईडी ने नहीं पाया है कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द स्कैम, इस घोटाले से संबंधित, यानी इस घोटाले से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया है। ठीक है, मोस्ट वेलकम अमृत, शाम को 4 बजे से चल रहा है ब्रदर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा कल। देखिए आगे क्या है, डिनाइज एनी रॉन्ग डूइंग, डिनाई से मना है, यानी उन्होंने मना किया, डिनाई मना किया, एनी रॉन्ग डूइंग कोई गलत कार्य से, यानी संजय राउत ने कहा कि उन्होंने किसी गलत कार्य, संजय राउत या उनके वकील कह रहे होंगे कि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया। क्या है, सून आफ्टर, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, एक होता है नो सूनर, एक होता है सून आफ्टर, एक होता है एज सून एज, ये तीन आप पहले तो याद रखे रहिएगा, ये तीनों को रिलेट करने का कार्य करता है। अक्सर इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन बना देता, कुछ नहीं पता चला लिख देगा सूनर आफ्टर लिख देगा, या पता चला कि सूनर एज एज लिख देता है, तो ये इस तरह की गलती करता है। तो एक सून आफ्टर होता है, एक नो सूनर होता है, एक एज सून एज होता है। जो जो बातें मैं बोलता चल रहा हूं, बस एक कॉपी बनाया रखा करिए, सुनते चला करिए, उनको लिखते चला करिए, बस कंटिन्यू। हम लोग 1 महीने 2 महीने में इसको पढ़ते पढ़ते ना, देखिएगा धीरे धीरे लैंग्वेज के प्रति हम लोग एक समझ विकसित कर लेंगे, कि देखकर किसी चीज को पढ़ना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। फिर क्या है, सून आफ्टर द ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों के, नॉक्ड ऑन हिज डोर्स, उनके दरवाजे को खटखटाने पर, एट 7 AM सुबह 7 बजे, अब समझ लीजिए इतना ज्यादा जरूरी था कि अधिकारी कहां पहुंच गए, सुबह सात बजे उनके दरवाजों पर खटखटाने के बाद ही मिस्टर राउत इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, यानी लगातार उन्होंने ट्वीट किया, डिनाइड, और मिस्टर राउत ने क्या किया, डिनाइड मना किया, एनी रॉन्ग डूइंग्स किसी भी गलत डूइंग्स को, यानी उन्होंने कुछ गलत कार्य नहीं किया है, उन्होंने इस बात को खारिज किया, एंड एलीग्ड और आरोप लगाया, और आरोप लगाया कि ही वॉज बींग टारगेटेड, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आउट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेट्टा, वेंडेट्टा होता है द्वेष, इसे कहते हैं बदले की भावना, अच्छा वर्ड है नोट कर लीजिएगा, बदले की भावना राजनैतिक, यानी उनका कहना है कि उन्हें राजनैतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। आई सिवर, मैं सौगंध लेता हूं बाई द लेट बाला साहब ठाकरे। अच्छा अब यहां पर देखिएगा, नोट करिएगा, बहुत काम का वर्ड है, SWEAR, ये जो SWEAR होता है, शिवर इन होता है, पद एवं गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ, पद एवं गोपनीयता की शपथ, ये एग्जाम में अक्सर फंसता है इससे क्वेश्चन, और एक बनता है शिवर बाई, ये होता है somebody, किसी व्यक्ति की सौगंध, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने गीता की कसम पर, गीता पर हाथ रखकर कह रहा हूं, ये सब क्या है, शिवर बाई। और जैसे आप किसी पद कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, गांव के प्रधान के रूप में, या एक कर्तव्य नागरिक, जहां भी पद की बात आएगी वहां प्रयोग किसका करेंगे, इनका, समझ रहे ना ये बात, ठीक है। अब आगे समझिएगा, एक होता है OATH, ये होता है शपथ, और एक होता है
एफिडेविट, एफिडेविट ये होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र, और एक हेजिमनी, हेजिमनी होता है गवाही के लिए शपथ पत्र, गवाही के लिए शपथ। इतने वर्ड आपको याद रखना है एग्जाम में हेजिमनी मिनजानिब के तहत, ठीक है। फिर क्या कहना है आगे इसका, आगे कहना है आई सीवर, मैं सौगंध लेता हूं बाई द लेट, लेट मतलब स्वर्गीय। ध्यान रखिएगा कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर स्वर्गीय होता है तो उसके पहले लेट आता है और लेट के पहले हमेशा आर्टिकल द आता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ग्रामर का बहुत अच्छा पॉइंट है। स्वर्गीय व्यक्ति के पहले लेट और उससे पहले हमेशा आर्टिकल द, द लेट गांधी जी, द लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, द लेट इंदिरा गांधी, द लेट अटल बिहारी वाजपेयी, द लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वही इनका कहना है कि मैं सौगंध लेता हूं स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे का शिवसेना फाउंडर, शिवसेना संस्थापक, दैट की आई हैव नथिंग टू डू विथ द विथ एनी स्कैम, यानी मैंने कभी किसी घोटाले के साथ कुछ नहीं किया है, मतलब मेरा घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं बाला साहब ठाकरे की सौगंध लेकर कहता हूं आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बट विल नॉट लीव, लेकिन नहीं छोड़ूंगा द शिवसेना, शिवसेना को, ही सेड, उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा। अंडर द ईडीज स्कैनर, मामला देखिए आगे है, अंडर अधीन ईडी के, अच्छा देखिए ईडी क्या है, एक संस्था है। अब ईडी संस्था है तो कैसा नाउन है, पर्सोनिफाइड नाउन है, और जब पर्सोनिफाइड नाउन है इसीलिए इस पर क्या लगा है, अपोस्ट्रोफियस। जितने भी संस्था होते हैं सब पर्सोनिफाइड होते हैं, इसलिए इनके पहले आप अपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, थोड़ा सा समझते चलिएगा, अभी आ रहा इसलिए आप फास्ट कह रहे हैं। ईडी के स्कैनर, स्कैनर का मतलब हो जाता है किसी चीज की परीक्षा, जो जांच चल रही है। अंडर द ईडीज स्कैनर सिंस अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल निश्चित समय, इसीलिए सिंस आया, यानी अप्रैल से ही ईडी के स्कैनर के अंतर्गत मिस्टर राउत हैड स्किप्ड द सेंट्रल एजेंसी सम्बन्ध, यानी मिस्टर राउत हैड स्किप्ड, इन्होंने स्किप किया था यानी छोड़ दिया था सेंट्रल एजेंसी, केंद्र सरकार के सम्बन्ध को, बुलावा पत्र को। अच्छा सम्बन्ध होता है, नोट कर लीजिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, सम्बन्ध, और इसका जो प्लूरल बनता है वो बनता है सम्बनीज, ये सिंगुलर होता है, न्यूज, इनिंग्स, सम्बन्ध, ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है। इन्होंने सम्बन्ध ट्वाइस, दो बार स्किप कर दिया था, इन रिसेंट डेज, हाल ही के दिन में, द लेटेस्ट ऑन जुलाई 27, और हाल ही को अभी एक 27 जुलाई को भी भेजा गया था, व्हाइल स्टेटिंग ही कुड अपियर ओनली आफ्टर अगस्त 7, जबकि स्टेटिंग कहते हुए ही कुड अपियर, वह अपियर होंगे ओनली आफ्टर अगस्त 7, यानी केवल 7 अगस्त के बाद, जबकि उन्होंने कहा था कि हम अपियर होंगे, आएंगे आपके सामने कब, आफ्टर अगस्त 7 एज पार्लियामेंट वॉज इन सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट सत्र, इन सेशन क्योंकि पार्लियामेंट सत्र चल रहा था, इनका कहना है कि पार्लियामेंट यानी संसद का सत्र चल रहा है, तो भाई एज अ सांसद है हमें वहां जाकर रिप्रेजेंट होना है और अपनी बात कहना है, इसलिए हम पार्लियामेंट सत्र के बाद 7 अगस्त के बाद हम आपके सामने आ जाएंगे, ऐसा कि उन्होंने कहा था। फिर भी जरूरत ईडी को जल्दी समझ में आई, उसने आज ही ले लिया। द एमपी सांसद नोन फॉर हिज, जो जाने जाते हैं अपने एसर्बिक स्पीचेज, अब देखिएगा उनके बारे में विशेषता बता रहा है कि सांसद जो जाने जाते हैं अपने बिल्कुल व्यंग अंदाज के स्पीच से, रिमेंड या बने रहे डिफाइंट, अवज्ञाकारी, एन रूट टू द ईडीज ऑफिस इन मुंबई, यानी ईडी के ऑफिस मुंबई के इन रूट, यानी उसके चैनल, उसका जो रास्ता, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका लगातार अवज्ञा करते रहे। वाइल टीयरफुल फैमिली मेंबर्स, वाइल जबकि टीयरफुल फैमिली मेंबर्स, टीयरफुल मतलब शोकाकुल, मतलब जो बेचारे जो
दुखी हैं, गम में हैं, टीयरफुल फैमिली मेंबर्स, वैसे फैमिली मेंबर्स गलत होता है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है, फिर भी ठीक है यहाँ चल जाएगा। जबकि टीयरफुल फैमिली मेंबर्स जिसमें शामिल कौन कौन है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, उनकी शामिल वर्षा, वॉच्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, उनका जाना घर से देखा, मिस्टर राउत बियरिंग अ सैफ्रॉन फ्लैग, मिस्टर राउत पहन रहे थे अ सैफ्रॉन फ्लैग, एक भगवा झंडा पहन रहे थे, एंड वेविंग, और वेविंग हाथ हिला रहे थे, ठीक है। टू हिज सपोर्टर्स, अपने समर्थकों का, हु गैदर्ड, जो इकट्ठा हुए थे, आउटसाइड हिज बैंगलो, उनके बैंगलो के बाहर जो इकट्ठा हुए थे, अपील्ड अपीयर्ड अनरफल्ड, यानी वो बिल्कुल वहां पर अपीयर्ड अनरफल, समझ रहे ना, अशांत नजर आए, खूब हो हल्ला शोरगुल कर रहे थे, ठीक है। तो एक तरीके से ये वाला हम लोगों का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। देखते हैं एक दूसरा पैराग्राफ है बगल में है, बंगाल पुलिस अरेस्ट 3 झारखंड MLAs, बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 झारखंड के विधायकों को, MLAs है। देखिए जो MLA होता है, MLA को ऐसे लिखकर इसका प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी एब्रेविएशन का प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ हमेशा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। बंगाल पुलिस गिरफ्तार किया, जितने भी न्यूज़पेपर के टाइटल होते हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये रियल डिस्क्रिप्शन है, ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है, इसलिए ये भले ही पास्ट होता है लेकिन इसका जो टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है। तो बंगाल पुलिस अरेस्ट 3 झारखंड MLAs, कांग्रेस एक्सपेल्स, कांग्रेस ने एक्सपेल, एक्सपेल अच्छा वर्ड है, नोट करिए, एक्सपेल होता बाहर निकाल दिया, दंड स्वरूप किसी को बाहर निकालना, उन्हें बाहर निकाल दिया, सेज कहा, दे वर कैरिंग कैश, वे कैश लेकर जा रहे थे, यानी वो पैसा लिए थे, टू डी स्टेबलाइज सोरेन गवर्नमेंट, यानी सीबू सोरेन सरकार को डी स्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए वो कैश लेकर चल रहे थे। अ मेजर पॉलिटिकल रो हैज इरप्टेड ओवर द सीजर ऑफ कैश, अ मेजर, एक प्रमुख राजनैतिक रो, रो का मतलब वैसे बखेड़ा, यहां रो का मतलब बखेड़ा है, एक झगड़ा से है, कि एक प्रमुख राजनैतिक रो हैज इरप्टेड, वैसे इरप्ट होता है फूट पड़ना, लेकिन यहां होगा उभर कर सामने आया, ओवर पर मुद्दे पर, सीजर जब्त करना, ऑफ कैश, कैश को, फ्रॉम 3 कांग्रेस MLAs, 3 कांग्रेस विधायकों के, फ्रॉम झारखंड, झारखंड के, इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, विथ द पार्टी एलिगिंग, विथ द पार्टी एलिगिंग, इसी के साथ साथ पार्टी का आरोप लगाते हुए, अटेम्प्ट्स, प्रयास करना, बाय द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, टू डी एस्टेब्लिश द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट, यानी जो अस्थिर करने का प्रयास है हेमंत सोरेन सरकार को इन झारखंड, झारखंड में, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस पर साथ साथ आरोप लगाया। द कांग्रेस ऑन संडे एक्सपेल्ड, कांग्रेस ने रविवार को एक्सपेल, अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, बाहर कर दिया द 3 MLAs, 3 विधायकों को, अ पुलिस कंप्लेंट वॉज रजिस्टर्ड, एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई इन रांची, रांची में, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, फॉर एलिगेडली, यानी कथित तौर पर, ऑफरिंग मनी, पैसे का, पैसे का ऑफर करना, टू अदर लॉ मेकर्स, अन्य विधायकों को, ऑफ द पार्टी, पार्टी का, टू टॉपल द झारखंड गवर्नमेंट, टॉपल का मतलब होता है गिराना, अस्थिर करना, झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए अन्य विधायकों को भी पैसे देने के आरोप में रांची में एक FIR दर्ज की गई, शिकायत दर्ज की गई, ठीक है। वेलकम डियर, द वेस्ट बंगाल पुलिस ऑन सैटरडे डिटेन्ड, वेस्ट बंगाल पुलिस ने सैटरडे को डिटेन कर लिया, यानी रोक लिया, किसको, किसको, कौन है, जामतारा MLA इरफान अंसारी, जामताला के विधायक इरफान अंसारी को, खिरजी MLA राजा राजेश कच्छप, खिरजी के विधायक राजेश कच्छप, एंड कोलेबीरा MLA नमन बिक्सल, और कौन है, कोलेबीरा के विधायक नमन बिक्सल को, नमन बिक्सल
कांगेरी को बितारेस 49,49,00,000 के साथ इन कैश, कैश में इन दियर व्हीकल्स, अपने साधन में, यानी अपने साधन में 49,00,000 के साथ इन तीनों विधायकों को वेस्ट बंगाल पुलिस ने रोक लिया। आन संडे, संडे को द 3 MLAs, तीनों विधायक एंड 2 others और 2 अन्य विथ देम, उनके साथ, यानी 3 विधायक थे, 2 अन्य लोग थे जो विधायक नहीं थे, वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए एंड रिमांडेड इन द कस्टडी, और रिमांड पर लिए गए पूछताछ के लिए, रिमांड मतलब होता है पूछताछ पर लेना, रिमांडेड इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टिल अगस्त 10, और 10 अगस्त तक राज्य पुलिस के आपराधिक इन्वेस्टिगेशन जांच के अधीन वो, यानी वो कहां रिमांड पर लिए गए, समझिएगा, यानी 3 विधायक और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए लिया गया, किससे, कस्टडी में, अब द स्टेट किसके कस्टडी में आए हैं, राज्य पुलिस के, राज्य पुलिस का कौन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट टिल अगस्त 10। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन दिल्ली, दिल्ली में कांग्रेस लीडर अविनाश पांडे, कांग्रेस नेता अविनाश पांडे, जनरल सेक्रेटरी एंड झारखंड इंचार्ज, महासचिव और झारखंड प्रमुख सेड द पार्टी प्रेसिडेंट हैड डिसाइडेड, पार्टी के अध्यक्ष ने निर्णय लिया है टू एक्सपेल, उन्हें बाहर कर देना विथ इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से, नोट कर लीजिएगा, इमीडिएट इफेक्ट होता है, तत्काल प्रभाव से उन्हें बाहर कर देने का निर्णय लिया। द MLAs who were caught with cash, वही विधायक जो पकड़े गए कैश के साथ, एंड वर ट्राइंग टू मिसलीड, और प्रयास कर रहे थे मिसलीड करने का अदर्स, दूसरों को भी इन द पार्टी। बीजेपी हैंड, बीजेपी का हाथ, एलिग्स कांग्रेस, कांग्रेस ने आरोप लगाया, मिस्टर पांडे एलिग्ड, मिस्टर पांडे ने आरोप लगाया, एलिग होता है कथित तौर पर आरोप लगाना, अच्छा वर्ड है, इसे नोट रखिएगा, एलिग, एलिग आता है, अक्यूज आता है, ठीक है, चार्ज होता है, गिल्टी होता है, ये सब आरोपी के सेंस में आते हैं। मिस्टर पांडे ने आरोप लगाया दैट की अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड, प्रयास किए जा रहे थे बाय द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, टू डी स्टेबिलाइज द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन झारखंड, झारखंड में चुनी हुई सरकार को डी स्टेबिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था, फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, कई महीनों से, एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वर यूज टू इंटीमिडेट MLAs, और सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा था, वर यूज टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट होता है धमकी देना, MLAs विधायकों को, और विधायकों को धमकी देने के लिए सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक, इसमें भी कुछ अच्छे वर्ड्स हम लोगों को मिले, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे एक ये है, नॉट माई मनी, मेरा पैसा नहीं है, सेज, सेज पराठा, ठीक है ना, ये पराठा ने कहा, ऑन कैश रिकवरी, कैश रिकवर्ड का बाय ईडी, ईडी के द्वारा, यानी ईडी के द्वारा जो कैश रिकवर्ड किया गया, यानी जो कैश बरामद किया गया, वो पैसा मेरा नहीं है। कौन है ये, जरा समझते हैं ये मामला क्या है भाई, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कह रहे पैसा ही मेरा नहीं है, यहां तो सब पैसे के लिए लड़ रहे हैं कि कोई पैसा आ जाए तो हम तो बोल रहे सबसे पहले ये मेरा है, हमको दे दो। एजेंसीज हैड सीज्ड ₹50 crore फ्रॉम हिज एड्स प्रॉपर्टीज, एजेंसीज ने, यानी संस्था ने, हैड सीज्ड, जब्त किया, 50 crore जब्त किया फ्रॉम हिज एड्स, उनके सहायकों के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से, यानी जो उनके सहायक हैं उनके प्रॉपर्टीज से ₹50 crore जब्त किया। फॉर्मल तृणमूल कांग्रेस लीडर पार्थ चटर्जी, अब समझ में आया, वो पार्थ है, पार्थ, फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस लीडर, सॉरी वो मैंने वहां पर पार्था कहा था, वो पार्थ है एक्चुअली, जैसे मेरा नाम है ना कि धीरेन्द्र, तो पढ़ा जाए तो ऐसे धीरेन्द्रा होता है, वही चीज उसका कहना हुआ कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी 69, जिनकी उम्र कितनी है 69 ईयर, ऑन संडे सेट, संडे को कहा, द कैश सीज्ड बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कैश जो ईडी के द्वारा जब्त किया गया इन द स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम, यानी किसमें, ईडी के द्वारा इन द स्कूल सर्विस कमीशन, यानी स्कूल सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट स्कैम, भर्ती घोटाले में, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हिज एड वाज नॉट हिज मनी, यानी कि उनके सहायकों की प्रॉपर्टीज उनसे संबंधित नहीं थी, यानी हमसे जुड़े हुए लोगों की जो संपत्ति जब्त की गई वो मेरी संपत्ति नहीं है, ऐसा उन्होंने ईडी से कहा।
ठीक है, नॉट माई मनी, मेरा पैसा नहीं, मिस्टर चटर्जी रिपीटेड, मिस्टर चटर्जी ने रिपीट किया सेवरल टाइम्स, कई बार, वाइल बीइंग टेकन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाए जा रहे थे, एट हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, एट जोका, जोका में, इन साउथ कोलकाता, साउथ कोलकाता के जोका में जब हेल्थ फैसिलिटी के लिए वो ले जाए जा रहे थे तो बार बार उन्होंने ऐसा कहा। टू रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी बार बार प्रश्नों को, अबाउट हिज अरेस्ट, अपनी गिरफ्तारी पर, एंड द पार्टीज डिसीजन टू सस्पेंड हिम, और पार्टी का निर्णय उन्हें सस्पेंड कर देने का, एंड रिलीव हिम ऑफ हिज मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, और रिलीव कर देना, हटा देना, हिम रिलीव ऑफ लेता है, नोट करिएगा, रिलीव हिम और उन्हें हटा देना ऑफ हिज मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, उनके मंत्री के कर्तव्य से, ही सेड, उन्होंने कहा कि ओनली टाइम विल टेल, केवल समय बताएगा, यानी समय का इंतजार करिए, समय बताएगा क्या है। जस्ट टू डेज अगो, केवल दो दिन पहले, द फॉर्मर मिनिस्टर हैड एलीग्ड, कि पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया था, दैट कि ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ कॉन्स्पायरेसी, वह षड्यंत्र के एक पीड़ित थे, यानी उनका कहना है कि एक मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, मैं उसका पीड़ित हूं, विक्टिम पीड़ित, कॉन्स्पायरेसी षड्यंत्र, द रिमार्क्स, यही रिमार्क, यानी यही टिप्पणी, ट्रिगर्ड अ रो, यानी कि इसने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, अगेन होगा, यानी उनकी टिप्पणी ने कि एक कॉन्स्पायरेसी हो गई, इसका मतलब अभी इसमें और लोग शामिल हैं, बस हम तो केवल और केवल एक षड्यंत्र मेरे साथ हो गया। द ट्रिगर्ड अ रो, यानी कि उनके इस ट्वीट ने, उनके इस टिप्पणी ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया विथ लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी विपक्षी नेता, एंड बीजेपी एमएलए, और बीजेपी के अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, समझ रहे ना, बखेड़ा खड़ा हो गया किसके साथ, भी लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष के नेता, एंड बीजेपी एमएलए, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी के द्वारा, हु सेड, जिन्होंने कहा, द ईडी हैड रिकवर्ड द तृणमूल कांग्रेस मनी, कि ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के पैसे को रिकवर कर लिया, एंड द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू इट, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वॉज अवेयर ऑफ लेता है, नोट कर लीजिएगा, अवेयर ऑफ, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अवेयर थी ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ से रिलेटेड टू इट, जो इससे संबंधित था। पार्टी क्वेश्चंस मोटिव, पार्टी के प्रश्नों का उद्देश्य, टीएमसी स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष, टीएमसी के वक्ता कुणाल घोष रेज्ड क्वेश्चंस, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया, ऑन व्हाइल मिस्टर चटर्जी वॉज मेकिंग सच कमेंट्स, कि मिस्टर चटर्जी ऐसे कमेंट्स क्यों कर रहे थे, मोर देन अ वीक, एक सप्ताह से ज्यादा, आफ्टर हिज अरेस्ट, अपनी गिरफ्तारी के बाद, द पार्टी, पार्टी ऑन इट्स पार्ट, अपनी तरफ से, यानी पार्टी अपनी तरफ से, हैज सेड, कहा, द ओनस ऑन एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ द मनी लाइज विद मिस्टर चटर्जी, ओनस अच्छा वर्ड है, जिम्मेदारी, पार्टी के वक्ता ने कहा, ओनस ऑन एक्सप्लेनिंग द सोर्स ऑफ द मनी, यानी पैसे का माध्यम की जिम्मेदारी लाइज विथ मिस्टर चटर्जी, मिस्टर चटर्जी यानी मिस्टर पार्थ चटर्जी से संबंधित है, यानी वो बार बार क्यों ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, उनका भाई आपके पास से पैसा अगर मिला है तो आपकी लाइबिलिटी है, आप बताइए कि पैसा कहां से आपको मिला, नियरली 50 करोड़ एंड सेवरल किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड, लगभग 50 करोड़ और कई किलोग्राम सोना वर सीज्ड, जब्त किया गया इन सीक्रेट सर्चेज, अलग अलग तलाशी में, ऑन जुलाई 22 एंड 28, 22 जुलाई और 28 जुलाई को, फ्रॉम टू प्रॉपर्टीज ऑफ अर्पिता मुखर्जी, और दो प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी से, यानी अर्पिता मुखर्जी के दो प्रॉपर्टीज से तलाश करने पर, जो 22 और 28 जुलाई को हुआ, वहां से 50 करोड़ रुपए के आसपास और कई किलो सोना लगभग जब्त किया गया। एन एसोसिएट ऑफ मिस्टर चटर्जी, जो मिस्टर चटर्जी की एक सहयोगी है, ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया ऑन जुलाई 23 जुलाई को, एंड 5 डेज लेटर, और 5 दिन पश्चात, स्ट्रिप्ड ऑफ हिज मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज, और उनके मंत्रिपरिषद से मुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया, एंड पार्टी पोस्ट और पार्टी के पद से भी उन्हें हटा दिया गया। बोथ मिस्टर चटर्जी एंड हिज एड हैव बीन रिमांडेड, मिस्टर चटर्जी और उनके सहयोगी हैव बीन रिमांडेड, पूछताछ पर, यानी पूछताछ पर लिए गए इन ईडी कस्टडी, ईडी कस्टडी में टिल अगस्त 3 अगस्त तक के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। ठीक है, तो इतना आज हम सब लोगों ने पढ़ा, अब बताइए कैसा लगा क्लास, कोई डाउट किसी को, यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए, हम आपके डाउट्स को दूर कर ले, कोई डाउट है किसी के पास,
कोई डाउट किसी के पास? आफ्टर के साथ, आफ्टर के साथ क्या आया था? देखिए आई के साथ, आई और वी के साथ सेल आता है, अन्य सभी के साथ विल आता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस को इम्फेसाइज किया जाता है तो हम जहां आई के साथ सेल आता है वहां विल लगा देते हैं, अदर्स के साथ जो विल आता है वहां हम सेल लगा देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के टेस्ट का आंसर की अभी पहुंच जाएगा, उसके लिए आप डोंट वरी। कोई डाउट नहीं है? तो डेली इस तरीके से हम सब लोग शाम को 8 बजे से डेली द हिंदू पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ने का एक सेंस डेवलप होगा। और अपने पास एक पेन पेपर रखा करिए, जो वर्ड्स होते हैं उनको भी नोट किए करते रहा करिए। ठीक है, थैंक यू। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट समझ में आएगा तो आप वीडियो के अभी समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी। प्रॉमिस करिए आप सब लोग कमेंट जरूर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।